नमस्कार सेंट सोल द टाइम्स से मैं हूँ कोमल और आज हम पहुँच चुके हैं सेंट सोल द डिवाइन पब्लिक स्कूल गुरुवंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच में। यहाँ के बच्चों ने ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग में विन किया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन करते हैं स्पोर्ट्स की बात तो बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस के साथ विन करते हुए दिखा दिया है कि बच्चे किसी से कम नहीं। तो चलिए करते हैं इन बच्चों से बातचीत जिन्होंने किया है स्पोर्ट्स के बहुत ही बेहतरीन ताइक्वांडो और स्पेशली किक बॉक्सिंग में विन। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चे, सबसे पहले किस में आपने विन किया है? किकबॉक्सिंग। वेरी गुड। हाँ जी, किसमें? किकबॉक्सिंग। तो बोलो बच्चे किसी से कम नहीं। बच्चे किसी से कम नहीं। यस, बच्चे कभी किसी से कम नहीं। और बच्चों के आगे भाई बातचीत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो चलो बच्चों से करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुखमन मैम। क्या स्कूल का नाम है? सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। वेरी नाइस। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे मेरे साथ हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैम फिफ्थ ब्लू। ओके, तो किस में विन किया है? मैम किकबॉक्सिंग। तो कहते हैं किकबॉक्सिंग में बहुत जोर लगता है ना, जो आगे वाला खिलाड़ी होता है वो भी बड़ा दमदार होता है, तो कैसे विन किया? मैम वो मुश्किल था। मैम की यार जोर से किक मारी बॉक्सिंग। वेरी नाइस। और भी बहुत कुछ किया। अच्छा, किक बॉक्सिंग होता क्या, पहले तो ये एक्सप्लेन करें। मैम किक बॉक्सिंग में किक मारते हैं और बॉक्सिंग करते हैं। मैम ऐसे किक मारते हैं और बॉक्सिंग मारते हैं। तो कितने टाइम की प्रैक्टिस थी? मैम जी, मैम 2 महीनों की। जी, तो 2 महीनों में आपने विन कर लिया ना? मैम यस। इससे पहले भी कोई मेडल लिया आपने? मैम नो। ये फर्स्ट मेडल है? मैम यस। कांग्रेचुलेशन। सशिकाल। सशिकाल। क्या नाम है जी? चरणजीत सिंह। तो क्या बताना चाहेंगे अपनी गेम के बारे में? बहुत अच्छी थी। ओके, राघव कहाँ कौन से स्कूल से हो? सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। तो जो आपने विन करा, कितने पॉइंट थे आपके विन करने के? मेरे 5 पॉइंट थे। 5 पॉइंट में आपने विन किया ना। yes. तो जोर से बोलना है अपनी गेम के लिए, क्या बोलना है? किकबॉक्सिंग। वेरी नाइस भाई, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी मेहनत की है और बहुत सारे पॉइंट के साथ उन्होंने विन किया है। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल हमेशा नंबर 1 पर रहता है, नंबर 1 पर है और 1 नंबर ही रहेगा। तो चलिए, आपका नाम क्या है? साहिल। क्या कहना चाहेंगे अपनी गेम के बारे में? वेरी नाइस, ही इज बेस्ट, वाकई बेस्ट है। बहुत अच्छी अच्छी बातचीत है। तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार अपने लिए आप जोर से कैपिंग कर लीजिए। वेरी नाइस, शाबाश। हाँ जी, तो आप जा सकते हो बेटा, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सारिका। सारिका, क्या कहना चाहेंगे अपनी गेम के लिए? मेरी गेम बहुत बढ़िया है, मैं हर बार इसमें विन करूंगी। मैं हर बार इसमें विन करूंगी। और मेहनत करके और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी। और मेहनत करके और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है आपका? जपनूर। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा किकबॉक्सिंग कर और बस। ताइक्वांडो किन किन ने किया? आपने किया है? वेरी अच्छा, इन्होंने ताइक्वांडो भी किया, किकबॉक्सिंग भी करी है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? प्रनीत कौर। क्या कहना चाहेंगे गेम के लिए? मेरी गेम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आपका नाम? मैं मारव। ओके, आपका नाम? रेहान। आपका नाम? हर्षित। तो चलिए जी, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विन किया है ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग में और अपने आप को एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रिप्रेजेंट किया है। कहते हैं बच्चे किसी से कम नहीं, बच्चों में बहुत दम है। तो बच्चों के आगे बातचीत करना भी बहुत मुश्किल है और जब वो गेम में पहुँचते हैं तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं। हेलो जी। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, कौन सी क्लास में हो? 10th। स्कूल का नाम क्या है? सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। वेरी नाइस। तो कौन सी आपने गेम में विन किया है? मैम रेस में किया था, 800 मीटर। जी, कौन सी रेस? ऐसे रनिंग की थी। 800 मीटर में इन्होंने विन करा है। तो 800 मीटर में कितने राउंड होते हैं? 2 राउंड्स होते हैं। ओके ओके, तो और भी खिलाड़ी होंगे, कितने थे? 5 या 6 थे। मतलब उनमें से आप विन आए हो? यस मैम। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। सत श्री अकाल। हाँ जी, अदिति, कौन सी रेस में आपने विन करा है? मैम चार रेस में। जी, अपनी सारी रेस के बारे में, अपनी सारी गेम के बारे में, कितने खिलाड़ी थे वहाँ पर और कहाँ पे आपकी गेम हुई? मैम हमारी गेम स्पोर्ट्स कॉलेज में हुई थी। प्लेयर्स तो मैम बहुत थे, मैंने 4 रेस लगाई। ओके, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैम प्रमित कौर।
जी, क्या बताना चाहेंगे गेम के बारे में? मैम, मैंने 100 मीटर वाली में लिया था, पार्टिसिपेट किया था मैंने जी। उसमें जब 100 मीटर करते हैं तो थोड़ा टाइमिंग का भी रहता है ना, इतने टाइम में कंप्लीट करनी होती है, कुछ पता है इस टाइम के बारे में? प्रॉपर्ली कंप्लीट होता है? यस मैम, वैसे जी, था। जी, जी, जी। हाँ जी मैम, मैं रितिका। स्कूल का नाम? सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। वेरी नाइस। तो कौन सी गेम में अभी? मैम 100 मीटर में करी थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, क्या बताना चाहेंगे अपनी गेम के बारे में? मैम, मैंने 100 मीटर रेस लगाई थी जी। मैम बस से थर्ड लेवल पे आई थी। कहाँ पे हुई थी ये गेम? स्पोर्ट्स कॉलेज। स्पोर्ट्स कॉलेज में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सिया। सिया, क्या बताना चाहेंगे? मेरी एथलीट्स की रेस थी, 3 किलोमीटर की मेरी रेस हुई थी, 7.5 मेरे राउंड्स लगे थे और उसमें पोजीशन आई थी मेरी। आपके साथ और कितने खिलाड़ी थे? मेरे साथ 3 थे और जी। yes. उनमें से आप फर्स्ट आए ना? यस। वेरी नाइस। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम जी थोड़ा? वंश नागपाल। वंश, की दसना चाहोगे अपनी गेम बारे, विन कीता क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा स्टैमिना तो बहुत मेन होता है मैडम, जिदा तुम्हें पता है। मैडम मैं रेस लाई 5.5 किलोमीटर okay. सेकंड पोजीशन आई मेरी। पहला तो मैडम लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर एक बंदा डिग गया, मतलब 4 जने सी टोटल। मैं हंस होना यार, फिर मैं बहुत मतलब कोशिश की, मैं कहा स्टैमिना मतलब रेस तो शुरू हो गई, मैं कहा चलो लाई जो, रुकिया नहीं, मैं कहा लाई जो। मेरे सी मैडम 12 राउंड 5.5 किलोमीटर ते, फिर बस मैडम बहुत सोहनी गल है, कदे भी हार नहीं मननी चाहिए, हमेशा थोड़ा स्टैमिना कंप्लीट होना चाहिए, थोड़ी मेहनत होनी चाहिए। अपने गुरु बारे की कहना चाहोगे, कौन टीचर ने थोड़े? मैडम साडे कमल मैम टीचर ने, बहुत बढ़िया मैडम, इन्होंने प्रैक्टिस कराई। साडा मैडम वॉलीबॉल का भी मैच सीगा उत्थे जी, वो तो मैडम चलो जित नहीं पाए, आपां हार गए चलो कोई नहीं, पर मैडम रेस जित के मैडम ने बहुत मेहनत की, सानूं बहुत दड़ाया स्कूल भी, उत्थे भी आपां फिर बहुत दब के दौड़े। वेरी नाइस। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम अक्षय शर्मा जी, मैं प्लस टू विच पढ़दा, ते मैं 5.5 किलोमीटर की रेस लाई है, तो उस में मेरी थर्ड पोजीशन आई। एक केड़े लेवल सी? डिस्ट्रिक्ट लेवल ते केड़े लेवल ते? डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। माय नेम इज हर्षित। मैं मैंने 3.5 किलोमीटर की रेस लगाई थी, मैंने मेरी थर्ड पोजीशन आई है, 7.5 राउंड थे ग्राउंड के। टोटल सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के जो बच्चे थे कितने थे टोटल इस गेम में? 10-12 थे जी जिन्होंने भागे, और कईयों की 6 बंदों की पोजीशन आई थी हमारे में। उन्होंने दोबारा रेस की, फिर ज़्यादा बड़ी होगी रेस, उसमें से कईयों की आई कईयों की नहीं आई, सब ने अपना पूरा बेस्ट दिया कि हम कोई पोजीशन लेके आए, किसी ने हार नहीं मानी, जो हुआ हुआ। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, की नाम है? हर्षित। हर्षित, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही मैम रेस की सी 3.5 किलोमीटर की रेस सी, 5.5 राउंड सी, तो सैकेंड आई सी। कितनी कितनी उम्र वाले बच्चे थे वहाँ पर? उम्र सी 1-2 साल सारे की वीडी, पर जिदा 5-6 प्लेयर खेली क्योंकि लोंग रेस सी ना, करके जी। सो सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विन करा है, और बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं हर बार आप अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं जब आपको कोई ट्रॉफी मिलती है या फिर आपको कोई मेडल मिलता है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है आपके प्रिंसिपल को, क्योंकि उनकी मेहनत भी बहुत होती है बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, सारा स्कूल देखने में, सारा सिस्टम देखने में, और साथ साथ में बच्चों की एक्टिविटी भी देखने में कि बच्चे कौन सी एक्टिविटी में विन करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के हुनर को पहचाने, वो किस गेम में जाना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर प्रेरित करें। हमारे साथ बच्चों के कोच खड़े हैं जिनकी बदौलत आज बच्चों ने विन किया है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, पहले तो अपना अपने बारे में बताएं। मेरा नाम कमलजीत कमल है, मैं यहाँ सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल में 4 मंथ से जॉब कर रही हूँ। मैं एक जूडो प्लेयर हूँ और ऑल इंडिया लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट आप खुद की भी रही है, और आपने बच्चों को भी इतना सारा मेडल दिलवा दिया बिकॉज आपकी मेहनत उनके पीछे है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? बच्चों ने मैम बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसके रिगार्डिंग, है ना। मॉर्निंग जैसे प्रैक्टिस होती है हमारी 2 घंटे की, तो वहाँ पे चाहे वो थक भी जाए फिर भी लगे रहते हैं, हाँ मैम का डर होगा मैम कहीं मारे ना हमें, है ना। तो शाम को भी फिर करवाते हैं हम, शाम को भी प्रैक्टिस होती है हमारी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है, अपना जोर लगाया, और उसके पेरेंट्स का और उनका बहुत सपोर्ट है इनके पीछे जी। तो मैम कितने बच्चे थे टोटल? मैम अराउंड 70 स्टूडेंट्स थे अलग अलग गेम्स के, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग गेम्स में।
जी कौन कौन सी गेमें थी? जैसे यहाँ पे हम करवाते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो होती है गेम, जूडो, किक बॉक्सिंग एंड ताइक्वांडो आल्सो। जी, तो जो पहला वाला राउंड था छोटे छोटे बच्चों का, उतनी कितनी एज का था वो? था वो एक्चुअली मैम प्रीति मैम देख रहे हैं किक बॉक्सिंग की, तो आपके पास ताइक्वांडो और बाकी सारी गेम है? हाँ जी, मेरे पास इनके पास ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग है, बाकी सारी गेम मेरे पास रहती है। जी हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम क्या कहना चाहेंगे सारे बच्चों के लिए? सबसे पहले तो आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। जी क्या कहना चाहेंगे सारे बच्चों के लिए? मैम सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी बात भी मानते हैं, कई बार उनको लग भी जाती है अगर बात नहीं मानते तो। उनको मुझे मेरा डर बहुत रहता है और प्यार से भी मैं समझाती हूँ, प्यार से भी वो अच्छे से कर लेते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो 8-9 साल के हैं और मेरे पास ज़्यादा छोटे बच्चों की टीम है, जैसे अंडर 11 और अंडर 14 की टीम है। मेरे पास उससे बड़े बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं पर 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और ताइक्वांडो तीनों चीज़ें करवाती हूँ उनको, क्योंकि बड़े बच्चों को हम इजीली समझा सकते हैं, वो समझ भी जाते हैं ना। बात रही छोटे बच्चों की, उनको समझाना बहुत मुश्किल रहता है मैम। बस बट छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग ना छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट लेके करते हैं, क्योंकि उनको नवी नई चीज़ें मिली होती हैं, नया चीज़ करने का क्रेज होता है, वो फिर करते हैं। ये जो सारी गेमें थी ये कौन से लेवल की थी? ये तो जो किक बॉक्सिंग की गेम थी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। जी यस मैम। जी और जो बाकी गेम्स हैं मैम वो खेडा वतन पंजाब दियाँ जो कि भगवंत मान वालों करवाइया जा रही हैं, उन्होंने वालों जोनल लेवल से साड़िया स्कूल ने पार्टिसिपेट किया ही, जिदे विच काफ़ी बच्चों ने इंटरस्ट लिया ते पोजिशन रही है उन्होंने। की कहना चाहोगे जी सेंट सोल द डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों लिए? बहुत मेहनती हैगी आ, आई होप इदा ही उन्होंने पेरेंट्स सपोर्ट करते रहन, प्रिंसीपल मैम सपोर्ट करते रहन, असी तो हैगे हाँ नाल उन्होंने हमेशा, इदा ही फिर कुछ ना कुछ बनने अगे जाके बच्चे, तो हमेशा उन्होंने नाल रहेंगे, सपोर्ट करेंगे उन्होंने नाल। सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स हमेशा जब बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो बच्चे आगे जाते हैं। ऐसा होता है कई बार गेमों में खेलते खेलते बच्चों की इंजरी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो दोष होता है वो टीचर्स को देते हैं कि आपने हमारे बच्चों का ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितना टीचर आपके बच्चों का ध्यान देते हैं मुझे लगता है शायद आप भी खुद ध्यान नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि आपकी जो जिम्मेवारी होती है सिर्फ स्कूल तक होती है कि बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है। और उनके साथ बच्चे जब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और अपनी मस्ती के साथ साथ कब वो बड़े हो जाते हैं, कब वो मेडल लेके आते हैं पता ही नहीं चलता। सो अगर बच्चों को कभी चोट भी लगती है तो आप उनको हौसला देने की बजाय उनको प्रेरित करें कि देखिए बच्चे चोट लगकर के ही बच्चे बड़े होते हैं, और चोटों के साथ ही बच्चे अपने अवार्ड भी लेके आते हैं। तो छोटी मोटी चोट की आप परवाह मत कीजिए, बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरियां बताइए, क्योंकि जैसे हमारे पंजाब के बहुत ही मानेवर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने पंजाब का नाम रोशन किया है, इसी तरह से आपके बच्चों का नाम भी रोशन हो। सारियां नूं सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल दे प्रिंसिपल दिवप्रीत कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। देयर वॉज अ कॉमन सेइंग अर्लीयर दैट कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट मेरे ख्याल च अजकल दे समय दे विच ए जिहड़ी प्रोवर्ब हैगी ओह रिवर्स हो चुकी हैगी है। हुण ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे खराब तो नहीं होगे, बट अजकल जिहड़ा हैगा खेडां नूं बहुत ज़्यादा महत्व दिता जा रहा। और इहदे विच साडे मानयोग चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी का भी बहुत बड़ा हथ है, जिवें कि तुहानूं सारयां नूं पता है कि खेडां वतन पंजाब का उपराला जिहड़ा कि इन्हां ने पिछले साल तो स्टार्ट किया होया, उहदे विच साडे स्कूल दे बच्चों ने काफ़ी मल्लां मारियां ने, जिवें कि साडे कई बच्चे उहदे च पार्टीसिपेट करन गए सी, ते काफ़ी बच्चे इहो जिहे ने जिहड़े कि अगे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते भी सिलेक्ट हो गए ने। स्पैशली जे मैं गल करां ते एथलैटिक्स दे विच 5 बच्चे साढ़े सिलेक्ट होए, जिन्हां चों कि 3 बॉयज़ ने ते 2 गर्ल्स ने, और इस तों अलावा टग ऑफ वॉर दे विच भी साढ़े स्कूल दीआं कुड़ियां ने ही जिहे मल्लां मारियां ने। इस तों अलावा 16 बच्चे इहोजे ने जिहड़े कि किक बॉक्सिंग और ताइक्वांडू दे विच गोल्ड मैडल, ब्रॉन्ज मैडल और सिल्वर मैडल लै करके आए ने, ते साडी सैकेंड पोजिशन आई है डिस्ट्रिक्ट दे विच। इस दे नाल नाल साडा सब तों इंपोर्टेंट बच्चा या सब तों वड्डा प्लेयर साढ़े स्कूल का विक्रांत, जिहड़ा कि नैशनल लैवल वास्ते सिलेक्ट होया रैसलिंग विच,
for the category of under 38 kg and age is under 14. So, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਫਰੋਮ 3rd to 8th October ਐਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ. ਧੰਨਵਾਦ.